Hey guys, welcome back to my channel Lakhnavi Shweta, and it's me Shweta. I hope that you all are doing great. So first of all, I would like to wish all my ladies out there who is watching me, wish you all a very very happy Karwa Chauth. मैं सबसे पहले आप उन सारी ladies को, उन सारी औरतों को Karwa Chauth के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो मुझे इस वक्त देख रही होंगी. So wish you all a very very happy Karwa Chauth. अब आप लोगों से एक मुझे सवाल पूछना है. जो मेरा background है ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. क्या आप लोगों को ये थोड़ा सा फेस्टिवल के हिसाब से appropriate लग रहा है या नहीं लग रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये जो मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल मेकअप लुक होने वाला है. बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सी ऐसी भी फीमेल्स होती हैं लाइक जो मेकअप फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, बट जब एक स्पेशल ओकेजन आता है तो हम सबको लगता है यार रेडी होना है, बट हम लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना है और फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक डिजास्टरस लुक क्रिएट हो जाता है. तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ मैं शेयर करती रहूंगी और आप लोगों के साथ ही लुक क्रिएट करूंगी. तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये पूरा वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे. अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके भी बताना. चलो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स गेट इनटू द कैमरे के थोड़े और ज़्यादा करीब आ गई हूँ सो दैट आप लोगों को सारे स्टेप्स क्लियरली दिखें और साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपनी स्किन भी शेयर करना चाहती हूँ. आप लोग अगर मेरी स्किन को क्लियरली सामने से देखेंगे और क्लोजली देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा मेरी स्किन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड मॉइस्चराइज हाइड्रेटेड दिख रही है, जिस बिकॉज की मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है. मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश किया था, देन स्क्रब किया, फिर टोनिंग किया एंड देन मॉइस्चराइजिंग अच्छे से की है. इनमें से आप एक दो स्टेप इधर उधर कर सकते हो, बट फेस वॉश अच्छे से करना है, क्लीन बहुत अच्छे से करना है एंड देन आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ. सो प्राइमर अप्लाई किए हुए मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं. सो आप लोगों के लिए भी ये टिप है कि अगर आप प्राइमर अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स सो दैट आपका जो प्राइमर है वो सेटल हो जाए और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें. तो मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लैक्मे 9 to 5 CC क्रीम. मैं फाउंडेशन नहीं अप्लाई करने वाली बिकॉज आई नो कि ज़्यादातर लोग फाउंडेशन अप्लाई करना नहीं प्रेफर करते, ना ही उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा केकी लगने लगता है एंड स्पेशली इफ़ यू आर बिगिनर, आप लोगों को स्किन टोन नहीं समझ में आता तो जब आप सेल्फीज लेते हो वो ग्रे हो जाती है, यू नो. तो ये सारी चीज़ें ना हो, इट्स बेटर कि आप लोग ऐसे ही CC या BB क्रीम अप्लाई करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन के साथ मिक्स हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा और आप बहुत ही अच्छे से इसके साथ डील कर सकते हो बेसिकली. इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद आप चाहो तो अपने फिंगर टिप्स से अच्छी तरीके से इसे डैप 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 करके भी ब्लेंड कर सकते हो. ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो और आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. सो मुझे पर्सनली ब्लेंडर यूज़ करना ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ करूँगी. आप अपनी फिंगर से भी जस्ट लाइक दिस इस तरह से भी इसे ऐसे 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 करके बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हुए और ये ब्लेंड अच्छी तरह से हो भी जाता है, बट मैं यहाँ पे पर्सनली ब्लेंडर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ तो मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. अभी भी ना मेरा नेक अलग दिख रहा है, फेस अलग दिख रहा है. सो मैं क्या करूँगी, अभी अपने नेक के पास भी इसे अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ अंडर आइज़ पे, अराउंड माय माउथ और यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे और भी लग रहा है कि हाँ हल्का सा मुझे और कवरेज चाहिए तो वहाँ पर एक और बार अप्लाई करूँगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. मैंने ब्लेंडिंग कर लिया है एंड स्टिल माय मोल्स आर विजिबल. आप लोगों को दिख रहा है हल्के फुल्के डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन अराउंड माउथ. तो इतना ही कवरेज मुझे चाहिए और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ऐसे मेकअप ट्राई कर रहे हो तो डोंट गो विथ फाउंडेशन, क्योंकि एक तो पहली कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया है और कहीं ना कहीं इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो थोड़ा सा डिजास्टर में चेंज हो सकता है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द सेफ ऑप्शन और CC क्रीम और BB क्रीम काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं. तो ये ब्लेंड हो गया है, अब ये क्रीम प्रोडक्ट हमने यूज़ किया तो अब इसे हमें थोड़ा सा सेट भी करना पड़ेगा. तो अब आप लोग के पास जो भी पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, लूज पाउडर है, आपके पास जो भी है उसकी हेल्प से आप इसे सेट कर लेंगे.
बेस तो रेडी हो गया है, अब मैं आप लोगों के साथ आई मेकअप शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। ये है आई शेडो जो कि मेरी दीदी ने परचेज किया था 3 साल पहले, ये उसका है, उसने अपनी शादी के टाइम पे परचेज किया था, आज तक नहीं इस्तेमाल किया। और आई नो कि आप में से भी बहुत लोगों ने ऐसे मिस्टेक किया होगा। सो इसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें सारे के सारे शिमर आई शेडो हैं, आप लोग इसको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी, अगर आप अभी भी आई शेडो पैलेट परचेज करते हैं ना, तो आप ऐसा पैलेट परचेज करें जिसमें मैट शेड्स भी हो और साथ ही साथ शिमर भी हो, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अब अगर आप लोगों ने ऑलरेडी गलती कर दी है, आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी शिमर शेड है ना उसको अपनी फिंगर की हेल्प से, नॉट ब्रश, डोंट यूज़ ब्रश, फिंगर की हेल्प से लीजिए और अपनी आईलिड के ऊपर अच्छी तरीके से ऐसे करोगे, काफ़ी अच्छा नेचुरल सा सटल सा लुक आता है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैट एंड ग्लिटर शिमर दोनों मिक्स करके आई लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो चलिए मैं आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ। एज आई सेड कि ये जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो ये सबसे पहले मैं ना ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने वाली हूँ फिंगर ब्रश की हेल्प से। ठीक है, आपके पास अगर ब्रश नहीं है ना तो आप क्या करोगे, आप अपनी फिंगर पे भी लोगे और नीचे से शुरू करोगे ब्लेंड करना, और जब बहुत हल्का सा प्रोडक्ट फिंगर पे लेफ्ट हो जाएगा तब आप उसे लाइटली ऊपर ऊपर तक ऐसे कर देंगे और अगेन वो ब्रश वाला ही इफेक्ट देता है। ठीक है, तो पहले मैं ब्रश पे ये ट्रांजिशन शेड दूंगी और अपनी पूरी आईलिड पे इसे ब्लेंड कर लूंगी। एक बहुत ही अच्छा सा ट्रांजिशन शेड मैंने पूरे आईलिड पे ब्लेंड कर लिया है। कैमरे पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर दिखता है, बट इन पर्सन सामने से ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा नेचुरल दिख रहा है। नाउ अब मेरे पास ये जो आई शेडो है जो मेरी दीदी का है, जो मुझे उसने दे दिया है, इसमें से या फिर इसमें से मैं एक शिमर आई शेडो लूँगी। यहाँ पे एक शैम्पेन शेड है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर मैं इसमें से मैं सोच रही हूँ कि कोई गोल्डन ले लूँ। तो आपको भी अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। लाइक आई एम वेयरिंग गोल्डन ब्लाउज, ये गोल्डन ब्लाउज है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक अच्छा सा शिमर ले लूंगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूंगी। आप लोग देख रहे हो मैंने अप्लाई कर लिया है, बट स्टिल थोड़ा सा हार्श दिख रहा होगा। तो मैं अपनी ये पिंकी फिंगर से क्या करूँगी, इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, या फिर मैं यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ। आप लोग चाहें तो ये जो स्मॉल फिंगर्स होती है ना, इसकी हेल्प से इसे अच्छी तरीके से बहुत ही सॉफ्टली ऐसे 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 ब्लेंड कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैं फिंगर से ही आप लोगों को ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा। एज यू गाइज कैन सी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक सिंपल सा आई मेकअप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिर्फ हम लोगों ने 2 आई शेडो पिक किया था। एक्चुअली मैंने कौन से आई शेडो मिक्स किए थे, इसमें से मैंने 2 आई शेडो और दूसरे पैलेट में से एक और, तो 3 शिमर्स को मिक्स करके मैंने ये क्रिएट किया है, ये वाला कलर और जो मैंने आउटर कलर अप्लाई किया था बस वही। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा कलर क्रिएट हो गया है, आई लुक क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली नहीं एक्सपर्ट हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। लाइनर अप्लाई करना आता है तो फिर आप लाइनर अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी लैश रखना है। अगर आप लोग को फॉल्सीज अप्लाई करना नहीं आता है, फिर भी आप लोगों को अगर अपनी लैशेज को थोड़ी हैवी करनी है, तो आप क्या करोगे, आप 2-3 कोट उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा और आपकी लैशेज अच्छी तरीके से हैवी दिखेंगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई करने वाली हूँ, और मैं वो ऑन कैमरा तो नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, मैं वो ऑफ कैमरा अप्लाई करके आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली ये आई लैशेज लगा लिया है मैंने, थोड़े हैवी है। आप लोगों को मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आई लैशेज लगाने के लिए, स्पेशली तब जब आप लोग पहली बार लगाने वाले हैं। तो होता क्या है ना कि आप आई लैशेज लगाने के चक्कर में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, आप लोगों से लगेगा भी नहीं, तो एक स्पेशल टाइम क्यों इस चीज़ के लिए वेस्ट करना। ठीक है, तो मैं आपको मस्कारा ही सजेस्ट करूंगी, बट स्टिल आपको लगाना है, आप कोई लाइट बहुत ही हल्के से आई लैशेज के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने ये हैवी आई लैश लगा लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू फिल माई आईब्रोज। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही थोड़ा सा डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर को मिक्स करूंगी एंड अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। सेंटर से फिल करना शुरू करूंगी एंड इसके बाद धीरे धीरे बैकवर्ड,
पीछे की साइड करेंगे एंड देन फ्रंट पे बहुत ही हल्के हल्के तरीके से उसे फिल करेंगे। तो आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं रखनी है, आर्टिफिशियल नहीं करना है, जस्ट जो गैप्स हैं आपके आईब्रोज में बस उन्हें फिल करना है। ऑब्वियसली क्योंकि मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो फिल करना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं जो गैप्स थे मैंने बीच से वो फिल कर दिया है। अब मैं इसे हल्का हल्का कॉर्नर की साइड ब्रश करूँगी। मुझे अपनी आईब्रोज को ना हल्का सा इल्यूजन देना है और थोड़े लॉन्ग आईब्रोज, तो बहुत ही लाइटली बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको बाहर की तरफ कर रही हूँ सो देट मेरी आईब्रोज और थोड़ी सी लंबी दिखे। अब मेरे ब्रश पर ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं है तो अब मैं क्या करूँगी, आगे की तरफ इसे हल्का सा ब्रश कर देंगे, दैट्स इट। आपका जो बचा खुचा प्रोडक्ट है वो आगे हो जाएगा। ये देखिए अभी भी यहाँ पे ये ना प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अभी जो इसके पीछे ब्रश है, इस ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से ब्रश अप कर लोगे और जो आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जहाँ भी है वो पूरी तरह से ब्लेंड हो जाएगा और आपकी आईब्रोज नेचुरल हो जाएंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश। अब मैं ब्लश अप्लाई करूंगी, देन ब्रॉन्ज अप करूंगी एंड हाइलाइटिंग, तीन चीज़ें बची हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ये जो पैलेट है, ये भी मेरी दीदी का ही है जो उसने अपनी शादी के टाइम परचेज किया था और मुझे दे दिया क्योंकि वो यूज़ नहीं किया उसने इसको। तो यहाँ पे ना ब्लश का शेड है दो और एक यहाँ पे ब्रॉन्ज अप करने के लिए है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करोगे, लिपस्टिक लोगे, लिपस्टिक से अपना ब्लश अप्लाई करोगे। और अगर आप लोगों के पास आई शेडो है उसमें मैट मैट कलर है, ट्रांजिशन कलर, लाइक ट्रांजिशन इन द सेंस दिस ब्राउन शेड, बहुत ही हल्का सा जो ब्राउन शेड होता है, ये आप एज अ ब्रॉन्जर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ब्लश करने वाली हूँ, फिर ब्रॉन्ज करूँगी एंड देन हाइलाइटिंग करूँगी। सो मैंने ब्लश कर लिया है, ब्रॉन्ज अप कर लिया है, अब बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटर कैसे अप्लाई करना है, मैं हाइलाइटिंग कलर लूँगी एंड ब्रश पे लिया, डस्ट ऑफ किया। अब जो भी है ना, सबसे पहले नोज़ एरिया पे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपने अप्लाई किया। आप फिंगर से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप कंप्लीटली फिंगर से भी करोगे वही इफेक्ट आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। मेरी आदत है ब्रश से अप्लाई करने की तो इसलिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर से भी कर सकते हो, सेम इफेक्ट आता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सो मैंने ब्रिज ऑफ द नोज़ यहाँ पे अपने चिन के पास कर लिया है एंड देन मैं अपने यहाँ पे करूँगी एंड साथ ही साथ इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगी, लाइक दिस कर्व की तरह ड्रॉ करूँगी सो दैट मेरी जो यहाँ पे बोन्स हैं यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो ये इतनी पोर्शन पे मैं हाईलाइट करने वाली हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। आपको अगर कुछ डीप नेक पहन रहे हो तो आप अपने कॉलर बोन्स को भी हाईलाइट कर सकते हो और साथ ही साथ इसे भी आप अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट से या फिर पाउडर से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। दिस इज़ माई मेकअप गाइज, ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा, काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी नॉर्मल सा मेकअप है। यहाँ पर मैंने आई लैशेज लगा लिया सो दैट शायद आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हेवी लग रहा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही आप लोगों ने भी देखा बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली जब शादी अभी रिसेंट पे हुई होगी तो आप लोगों ने परचेज करके रखा होगा या फिर आप लोग परचेज करते भी रहते होंगे शायद। तो ये आप लोग इतने ही प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं इस लुक को। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक, एक रेड लिपस्टिक और एक पिंक लिपस्टिक को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और साड़ी वियर करके पूरा गेटअप लेकर मैं आप लोगों से फाइनली मिलती हूँ। Guys, this is the whole look, the complete look. आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। एक्चुअली जो लिपस्टिक है, जो साड़ी है ना, थोड़ी सी डीप रेड कलर है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है और आप लोगों को पता है फर्स्ट टाइम मैंने इतना ब्राइट लिप्स लगाया, आई डोंट नो कैसी दिख रही हूँ मैं, बट
आप लोगों ने देखा कि बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है, बट स्टिल इट लुक्स लाइक कि आपने कुछ एफोर्ड किया है ना. और आई एम श्योर कि आप सब लोग ये बहुत ही इजीली क्रिएट कर लोगे, कुछ इसमें लोचा नहीं होने वाला है. आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है. ज्वेलरी आप यहाँ पर अपनी पसंद से कुछ भी पहन सकते हो, मैंने तो सिर्फ एक नेक पीस यहाँ पर नेकलेस डाल लिया है. अब मैं आप लोगों के साथ एक हेयर रॉल लुक भी शेयर करने वाली हूँ. मैंने एक मैसी बन टाइप बना दिया है. अब इसके साथ मैं ये जूड़ा भी, सॉरी गजरा भी लगाने जा रही हूँ. आर्टिफिशियल गजरा है, बहुत टाइम पहले खरीदा था, बस पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ इसको भी लगा देते हैं. आप यहाँ पे ओरिजिनल गजरा भी मंगा के लगा सकते हो, दैट विल लुक अमेजिंग. वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज आप भी आर्टिफिशियल गजरा मंगा सकते हैं. तो मैं ये एक बार गजरा भी लगा लेती हूँ. सो गाइज देख रहे हैं आप, मैंने ये आर्टिफिशियल गजरा लगाया, ये भी ठीक ठीक सा काम कर रहा है. अगर आप रियल गजरा लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा. अब ये जो गजरा मैंने लगाया है ना, ये मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लग रहा है ये पूरा लुक इस तरह से. आप लोगों को अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, आपको गजरा लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, क्योंकि मैंने बस आप लोगों को एक सजेशन दिया है, एक लिस्ट मतलब एक चॉइस बताई है, दैट्स इट. और अगर आप लोगों ने ये लुक एक्चुअली क्रिएट किया ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जान के कि आप लोगों ने भी ये लुक क्रिएट किया है. इनफैक्ट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं. सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप लोग को स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ भी टैग कर सकते हैं. एंड आई रियली 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 होप कि आप लोग को ये लुक और ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो. अगर हाँ तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल.